हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नैनीज वर्ल्ड। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज थोड़ा मैं अलग करने वाली हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि आज मैं आपके साथ छोटा सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही सिंपल मेकअप लुक है। ये कॉलेज गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, जिनको सिंपल मेकअप करना पसंद है वो भी इस मेकअप लुक को ट्राई कर सकती हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं पहली बार मेकअप लुक ट्राई कर रही हूँ अपने चैनल पे, तो थोड़ी सी नर्वस हूँ। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे एंड मेरा जो नर्वसनेस है उसे आप लोग दूर करने में हेल्प करोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपने फेस को पूरे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, यू कैन सी कोई भी डर्ट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले तो अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी आप मेकअप करें सबसे पहले अपने स्किन का केयर करें, सबसे पहले अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज हाइड्रेट रखें, जिससे क्या है कि जो भी आप मेकअप करें उसका जो है साइड इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि आप मेकअप करते हो तो आपके फेस पे पिंपल्स या कुछ स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप अपने स्किन को सबसे पहले प्रोटेक्ट करें। तो सबसे पहले मैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज्ड करूँगी। मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है लोटस का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये काफ़ी अच्छा है और ये SPF 25 है, तो अगर मैं सनस्क्रीन नहीं भी लगाती हूँ तो चल जाएगा। और ये क्रीम मैंने ली है लोकल मार्केट से, जो मुझे अराउंड 500 के पड़ा। तो इसको मैं अच्छे से थोड़ा ज़्यादा ही लेके अपने स्किन पे अच्छे से लगा लूँगी एंड इनको मैं अच्छे से मॉइस्चराइज्ड कर लूँगी। सबसे पहले ट्रेंड अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर गुड वाइब्स का रोज़े सीरम ले रही हूँ। इसको मैं जहाँ जहाँ पर मुझे चाहिए मैं वहाँ पर अच्छे से यूज़ कर लूँगी। प्राइमर मैं अपने नोज़ एरिया पे लगा लूँगी। आपकी स्किन को इतना स्लिपर, इतना स्मूथ और पूरी तरह से मैं बोलूँ रेडी कर देता है मेकअप के लिए। तो यू मस्ट हैव इट फ्रेंड्स, एक बार आप इसे मेरे कैनल पर ज़रूर ट्राई करें, आपका दिल खुश हो जाने वाला है। मैंने अच्छे से लगा लिया है, अब देख सकते हो। मैं यहाँ पर वेरी मी का ओरी फ्लेम का एक फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं हल्का, ज़्यादा नहीं लूँगी, बहुत ही लाइट। आप चाहे तो BB क्रीम या CC क्रीम भी ले सकते हो, तो अभी वो मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर यही ले रही हूँ। क्रीमी है और ये जो है ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो मैं अपने डार्क सर्कल पे भी इसे लगा लूँगी एंड जहाँ भी मेरे स्पॉट्स वगैरह हैं, लाइक माय लिप एरिया, नोज एरिया, मेरे अपर लिप पे भी थोड़े स्पॉट्स हैं, तो मैं यहाँ पे भी अच्छे से लगा के थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आईलिड पे लगा लूँगी क्योंकि मैं आई शेडो यूज़ करूँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ भी थोड़ा सा फाउंडेशन। तो मैं इसको ना हैंड से ही अच्छे से लगा लूँगी एंड जब भी आप फाउंडेशन लगाएं फ्रेंड्स, हैंड से आप जब भी फाउंडेशन लगाएं तो इसे लोअर डायरेक्शन से लगाएं, इस तरह से, अपवर्ड डायरेक्शन से ना लगाएं। मुझे काफ़ी इजी लगता है फाउंडेशन को हैंड से ब्लेंड करने में। मेकअप पे मैं ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करूँगी, मैं उतनी ही चीज़ें यूज़ करूँगी सिंपल गर्ल अफोर्ड कर सकती हैं, क्योंकि हर किसी को खूबसूरत दिखने का हक है। लूज़ पाउडर लूँगी, ये वाइट टोन का पाउडर है, तो मैं इसे लूँगी। एंड आप चाहे तो कॉटन से या फिर ब्लेंडिंग ब्रश से आप इस पाउडर को लगा सको लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं जस्ट इसे रख दूंगी आई एरिया पे एंड जहाँ जहाँ मुझे यूज़ करना है। फ्रेंड्स अपने नेक को ना भूलें, वरना आपका स्किन का कलर एंड नेक का कलर बहुत ही अलग दिखेगा। थोड़ी देर
इस पाउडर को इसी तरह रहने देंगे। एक कॉटन का कपड़ा लूँगी और इससे अपने इस पाउडर को लगा लूँगी। ट्रस्ट मी फ्रेंड, जो कॉटन के कपड़े से पाउडर इतने अच्छे से लग जाता है ना कि आपको दोबारा इतने अच्छे से वो लगता है कि आपको ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी अच्छे से लग चुका है। आई शेडो के लिए मैं यहाँ पर रोज़ का, ये लाइट ऑरेंज कलर है, तो मैं इसे लेकर इसे अपने उंगलियों पे लेकर अच्छे से अपने आईलिड पे लगाऊंगी। उंगलियों से फ्रेंड्स आई शेडो काफ़ी अच्छे से लगता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आई शेडो लगा लिया है काफ़ी अच्छे से। अच्छे से आप ब्लेंड करके लगाना, पूरा टाइम लेकर लगाना, जल्दीबाजी के बाद मैं हल्का सा एक थोड़ा सा शाइनी लुक देने के लिए आईज़ पे यहाँ से पिक करूँगी। ये हाइलाइटर है, ये जो ब्राउनिश कलर है इसे लूँगी मैं और इसे बस आईलिड के मिडिल पे लगाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने लगा लिए हैं आईलिड पे, आप देख सकते हो। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लैक्मे का आईलाइनर, और मैं काजल यूज़ नहीं करूँगी इसमें, जस्ट सिंपल आईलाइनर। ये लैक्मे का आईलाइनर जब मैंने लिया था तो ये 120 का लिया था, अब ये 75 रुपीज़ में सेल पे मिल रहा है अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे, तो आप जाके जल्दी से ले लो। और मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ लाइनर और मैं इसे विंग बनाऊँगी। अब मैं लगाऊंगी ब्लश, तो कॉलेज गर्ल्स ज़्यादा ब्लश तो नहीं लगा सकती, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये क्या है, पिंक है, ये रेडिश कलर लगाऊंगी। ये हल्का लाइट रेड कलर है, इतना तो आप लगा ही सकते हो। तो हल्का हल्का मैं लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये कॉलेज गर्ल्स और ऑफिस गर्ल्स दोनों के लिए है ये लुक। तो कॉलेज गर्ल्स तो मे बी कॉलेज गर्ल्स स्किप कर दें, बट मैं तो बोलूँगी कि आप कॉलेज पर लगा के ना जाओ। और कभी भी आप ब्लश लगाओ फ्रेंड्स, तो स्माइल करके लगाओ, इससे क्या है आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि करेक्ट वे में कैसे लगाना है ब्लश को। तो फ्रेंड्स, मैंने ब्लश लगा लिया, इनका मैंने काफ़ी लाइट लगाया है, आपको अगर ज़्यादा दिख रहा हो तो आप इससे भी और थोड़ा सा लाइट लगाएं। हाइलाइटर, हाइलाइटर तो मस्ट है, मतलब स्किन अगर ग्लो ही ना करे तो क्या मतलब है ना। हाइलाइटर को अपनी चीक बोन्स के फेस का जो हाई पॉइंट है आप वहाँ पर हाइलाइटर लगाओ, तो आप ऐसे लगा लो। मैं सब कुछ हैंड से ही करके दिखा रही हूँ आपको फ्रेंड्स, इजी वे में, क्योंकि ये सिंपल मेकअप लुक है तो मैं सब कुछ सिंपल ही करूँगी। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाइलाइटर लेके अपने आईज़ के कॉर्नर पर लगाऊँगी। अब मैं अपने चीन्स पे भी लगा लूँगी एंड फॉरहेड। एंड आईब्रोज के ऊपर एंड लिप के अपर साइड में एंड नोज पे यूज़ करूँगी अपना मस्कारा। मैं इसी मस्कारा से लाइटली अपने आईब्रोज को भी फिल कर लूँगी। मैं यहाँ पर कोई पेंसिल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस इससे ही मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। और
और फाइनली अब मैं लगाऊंगी अपना लिपस्टिक जो है एलेटेन का, ये एलेटेन का है तो मैं इसे लगा लूंगी। लाइट ही लगाई है जितना चल सकता है कॉलेज में आप देख। सो फ्रेंड्स, मेरा मेकअप जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये है मेरा सिंपल मेकअप लुक। आप लोग मुझे बताना कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा, एंड कमेंट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना कि आपको मेरा सिंपल मेकअप लुक कैसा लगा। एंड आप देख सकते हो बहुत ही लाइट है। तो ये आप किसी शादी में जा रहे हो और आपको ज़्यादा मेकअप नहीं करना है तो आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा मेकअप कर लूँगी, एंड आप देख सकते हो इट्स जस्ट अमेजिंग। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल एंड बाय।